प्रभु ने जो हमसे वादा किया है क्या वह सब सच है या झूठा है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हम सबसे वादा करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। जब हम इस दुनिया में चल रहे युद्ध, परिवार में लड़ाई झगड़ा, हत्या, बीमारी के बारे में सुनते व देखते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि प्रभु ने जो हमसे वादा किया है क्या वह सब सच है या झूठा है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु का वादा आज भी है, लेकिन हम उसकी शांति को अपने जीवन में अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी समस्याओं को एक स्रोत के रूप में देखते, और यही कारण है कि हमारे जीवन में व हमारे परिवार में शांति की कमी है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 में प्रभु येसु कहते हैं, इस दुनिया में तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ में विश्वास करो। सवाल यह है कि जब कभी हमारे जीवन में परेशानी आती है तो मैं क्या करता हूँ? क्या मैं प्रभु के उस वादे पर संदेह करता हूँ या उसके किए हुए वादे पर विश्वास करता हूँ? इसका जवाब संत पौलुस फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6-7 में देते हैं, किसी भी चीज के बारे में चिंतित मत हो, बल्कि हर स्थिति में प्रार्थना और याचना के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने अपना अनुरोध प्रस्तुत करो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में आने वाले परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दे और प्रभु को समर्पित करें तथा एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें और हमेशा प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। असीसी के संत फ्रांसिस कहते हैं कि शांति एक मानवीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हमेशा एक स्रोत के रूप में प्रभु पर निर्भर करती है। प्रिय दोस्तों, तो आइए हम अपने जीवन में उस शांति के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें। जिस तरह की शांति का अनुभव शिष्यों ने अपने जीवन में किया, जिस शांति का अनुभव संत फ्रांसिस ने किया, तो आइए आज हमारे मन, शरीर और आत्मा को तैयार करें ताकि उसकी शांति को हम हमारे जीवन में अनुभव करें और उन सभी से दूर रहें जो हमारे जीवन में तनाव, शोक और पीड़ा का कारण बनते हैं। आमीन।